मैम मेरी कुंडली में 10वें घर में सूर्य बैठा हुआ है, इसका मतलब मैं फेमस हो जाऊंगा? हाँ हो सकते हो, लेकिन इलॉन मस्क जैसा फेमस, या बिल गेट्स जैसा फेमस, या फिर इब्राहिम लिंकन जैसा फेमस, उसके लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा। सूर्य जब 10वें घर में होता है तो आप लोगों को प्रसिद्धि जरूर दे सकता है, पब्लिक लाइफ जरूर दे सकता है, क्योंकि यहां पर आकर सूर्य दिग्बली हो जाता है, यानी उसे डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल जाती है। लेकिन डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलने के बाद क्या सूर्य वाकई में आपको इतना फेमस कर देता है कि जिससे लोगों की आंखें चौंधिया जाएं? सोचना पड़ेगा। तो चलिए मिलकर सोच लेते हैं। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद भी कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो या इस चैनल के दूसरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो फिर आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप चाहें तो चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। मेंबर बनने के लिए आप ज्वाइन बटन दबाइए जो कि सब्सक्राइब के साथ में आ रहा है, या डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है मेंबरशिप की, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबर बनने के बाद आप लोगों को सारे वीडियोस दूसरों से पहले देखने को मिलते हैं, हर महीने एक्सक्लूसिव वीडियो भी देखने को मिलता है, साथ ही साथ जब भी कमेंट करते हैं तो नाम के आगे स्टार बैच भी बना आता है। एंड फाइनली आप लोगों को हर महीने एक स्पेशल रीडिंग में ऑफर करती हूँ, और इसके साथ साथ ही सभी रीडिंग्स पर आप लोगों को डिस्काउंट्स भी मिलते हैं। सो इफ यू वॉन्ट टू यूज दोज डिस्काउंट्स फॉर योर फेवर, मेक श्योर दैट यू बिकम अ मेंबर ऑफ दिस चैनल। तो चलिए पहले 10वें घर को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या है 10वां घर। 10वां घर नैसर्गिक रूप से शनि का घर होता है, और शनि और सूर्य आपस में पिता और पुत्र होते हैं, लेकिन दोस्त बिल्कुल नहीं होते हैं, उनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती है। जो शनि का घर है ये केप्रिकॉर्न यानी मकर राशि के हिस्से में आता है, और ये एक अर्थ एलिमेंट की यानी कि पृथ्वी तत्व की राशि होती है। यहाँ पर आपको मटेरियल अचीवमेंट्स देखने को मिल, यानी कि जो भौतिक रूप से आपकी सुख सुविधाएं हो सकती हैं, जो भी आपको मिल सकता है, वो सारी की सारी चीजें आपके 10वें घर में होती है। दुनिया आपको कैसे पहचानती है, कैसे जानती है, वो भी 10वें घर के साथ जुड़ा हुआ होता है। आपका जो प्रोफेशन होता है वो भी 10वें घर के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो अगर जीवन में आपको पहचान चाहिए, किसी नाम से आप जाना जाना चाहते हो, तो आपके लिए एक अच्छा 10वां घर होना जरूरी है। 10वां घर आपके कर्मों का भी स्थान होता है, इसीलिए 10वें घर में अच्छे प्लैनेट्स का होना और उन प्लैनेट्स का अच्छे से काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कर्मों का भाव अच्छा नहीं होता है तो फिर उससे जो लाभ प्राप्त हो रहे हैं या जो आपकी इमेज बन रही है वो भी थोड़ी डामाडोल होती है। इसलिए वी वॉन्ट अ स्ट्रांग हाउस जहाँ पे अच्छे प्लैनेट्स बैठे हुए हों, अच्छे रिजल्ट्स देते हों। अब सूर्य से ज्यादा शक्तिशाली भला कौन होगा, इसीलिए सूर्य जब यहाँ पर आते हैं तो डायरेक्शन स्ट्रेंथ उन्हें मिलती है। डायरेक्शन स्ट्रेंथ को हिंदी में कहते हैं दिग बल, दिग यानी दिशा और बल यानी कि स्ट्रेंथ, यानी कि आपको शक्ति मिलती है। तो 10वें घर में आके जो सूर्य होता है वो आफ्टरनून का सन होता है, यानी 12 बजे का सूर्य जो सिर्फ सीधे सर के ऊपर होता है, अपनी फुल ग्लोरी में होता है, बढ़िया चमक रहा होता है अच्छे से, उसको हम 10वें घर का सूर्य मानते हैं। इसीलिए वो जो सूर्य होता है बेहद शक्तिशाली होता है, बेहद पावरफुल होता है। क्यों? क्योंकि जो सुबह का सूर्य होता है वो तो बेचारा उग ही रहा है अभी, और जो शाम का सूर्य होता है वो डूब रहा है। उसकी शक्ति आज सच कम नहीं होती है, तो सूर्य ही, लेकिन जब हम पृथ्वी से देखते हैं तो दोनों ही सूर्य जो होते हैं वो कमोबेश हल्के होते हैं, उनकी जो किरणें होती हैं वो इतनी शक्तिशाली नहीं होती। लेकिन जो मान लीजिए जेठ के महीने में जो बिल्कुल अपराहन का सूर्य है सर के ऊपर खड़ा है, बाप रे कितना वो शक्तिशाली होता है। तो बस वही शक्तिशाली सूर्य आपके 10वें घर का सूर्य भी होता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सूर्य और शनि की तो आपस में बनती नहीं है, माना कि पिता पुत्र हैं पर बहुत चिढ़ते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसे में अगर सूर्य यहाँ पर आ जाते हैं तो दिग्बली हो जाते हैं, ताकतवर हो जाते हैं, पावरफुल हो जाते हैं, ऐसे कैसे? देखिए, सबसे पहले तो ये बात हमें मान लेनी चाहिए कि 10वें घर में आने पर सूर्य हमेशा ही खूबसूरत होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, लेकिन उनकी शक्ति तब ज्यादा निखर कर आती है जबकि वो अपने सर पर जिम्मेदारियां उठा रहे होते हैं। सूर्य कैसे होते हैं? कैरिज्मेटिक होते हैं, उनके अंदर एक करिश्माई व्यक्तित्व होता है जिसको देखते ही बस आप कहें कि वाह, वंडरफुल, अमेजिंग, हर एंगल से हीरो। तो इस तरह का जो नेचर होता है वो सूर्य का होता है। उसकी अपनी पर्सनालिटी, उसका ईगो इतना भारी होता है, इतना बड़ा होता है कि सब लोगों को उसकी तरफ ध्यान देना ही पड़ता है।
लेकिन जब वो अपने पुत्र की राशि में आते हैं, शनि की राशि में, तो वो कहते हैं कि सब कुछ तो आपको प्रोवाइड हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा, क्योंकि ये दसवां जो घर है वो भौतिक सुख सुविधाओं से लेस है, जो चाहिए वो मिलेगा, लेकिन पृथ्वी का तत्व है इसलिए मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, और इसलिए जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। और जिम्मेदारी किन की उठानी पड़ेगी? आम लोगों की। आपने मूवी देखी है ना बाहुबली, तो बाहुबली मूवी में दो भाई हैं, महेंद्र बाहुबली और भल्लाल देव। तो जो भल्लाल देव हैं वो राजा हैं, राजपुत्र हैं, उनका स्वैग है, उनका अपना ईगो है, उनका अपना स्टाइल है, तरीका है चीज़ें करने का, उनको आम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। तो वो सूर्य है, यू नो ही इज सेल्फ राइटियस, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। और ये जो महेंद्र बाहुबली हैं, ये दसवें घर का सूर्य है, यानी राजपुत्र तो है लेकिन फेमस किन के बीच में है? आम लोगों के बीच में। प्यार उन्हें कौन करता है? आम लोग। जिम्मेदारी तो किसकी उठाते हैं? आम लोगों की। वो किससे प्यार करते हैं? आम लोगों से। उनका जो दिल है वो किन के लिए धड़कता है? आम लोगों के लिए। सो पीपल्स किंग, राइट, और द किंग ऑफ द पीपल, ये आप कह सकते हो। तो एक तरफ तो सूर्य है भल्लाल देव, राइट, जो अपने में मस्त है, अपने में मगन है, उसे जरूरत नहीं है किसी की, वो हैं तो सारे ग्रह हैं, तो वो भल्लाल देव वाला सिस्टम यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ पर महेंद्र बाहुबली वाला सिस्टम चलेगा कि सबसे प्यार करना है, सबकी जिम्मेदारी उठानी है, सबको साथ लेकर चलना है। अपना ईगो जहाँ आपका बीच में आ जाता है, बहुत सर उठाता है, बहुत इशू क्रिएट करता है, तो फिर हालत भी भल्लाल देव वाली ही हो जाती है। लेकिन जब आप जिम्मेदारी लेते हो, खास तौर पर लोगों की जिम्मेदारी लेते हो, तब आप आगे जाकर शाइन करते हो, तब शनि जो है वो आपको नहीं रोकते। क्यों? क्योंकि शनि जो सर्वहारा है, जो आम लोग हैं, खास तौर पे जो गरीब लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है, उनके स्वामी होते हैं, राइट। और अगर किसी को राजा बनना है तो वो महलों का राजा नहीं होता, वो किसी जमीन के टुकड़े का राजा नहीं होता। शनि ये बताता है कि राजा आप होते हो प्रजा के, और अगर आप प्रजा का भार उठाने को तैयार हो तो फिर शनि अपने रिस्ट्रिक्शंस को हटाते हैं, और वहां पर सूर्य ना सिर्फ तेजी के साथ चमकते हैं बल्कि उस चमक से बहुत सारे लोगों का फायदा होता है, और ऐसी चमक होती है जो लॉन्ग लास्टिंग होती है। बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स हैं जिनका नाम आज भी लिया जाता है, जिन्होंने अपने देश के लिए, दुनिया के लिए बहुत कुछ किया, लोगों की जिम्मेदारी उठाई, लोगों की जिंदगी बेहतर बनाई। क्यों? क्योंकि वो बड़ी पोजिशंस पर तो थे, वो तो सभी होते हैं या लोग आ ही जाते हैं। हर 4 साल में US में प्रेसिडेंट चेंज होता है, 5 साल में इंडिया में भी चुनाव होते हैं, ऐसा ही दूसरे देशों में भी होता है। तो टेक्निकली यू विल गेट अ न्यू प्रेसिडेंट और अ न्यू प्राइम मिनिस्टर एवरी वंस इन अ वाइल, बट कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने लोगों के लिए काम करके, जनता के लिए काम करके, प्रजा के लिए काम करके, और उनका जो यश है वो आज भी जीवित है उनके जाने के बाद भी। इसलिए दसवें घर का सूर्य आपको गवर्नमेंट में रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिला सकता है अनडाउटेडली, लेकिन गवर्नमेंट में ही। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको लोगों की जिम्मेदारी उठानी होती है। अगर आप जिम्मेदारी नहीं उठाओगे तो भल्लाल देव बन जाओगे, अगर जिम्मेदारी उठा लोगे तो बाहुबली बन जाओगे। सो नाउ यू डिसाइड कि आपको क्या बनना है। दसवें घर का सूर्य काफी स्ट्रगल्स भी लेकर आ सकता है, लेकिन ये जो स्ट्रगल्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक खास पॉइंट की तरफ इंगित करते हैं। क्या? अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड हो, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ फोकस्ड हो या सेल्फिश हो, इन दैट केस आपको जीवन पर्यंत स्ट्रगल करना पड़ सकता है। अगर आप छोटी छोटी बातों को अचीव करके बड़ा गाना गाते हो तो भी आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है। अगर आप घमंड करते हो, अगर आप दूसरों को नीचा दिखाते हो, तो दसवें घर का सूर्य आपके लिए काम नहीं करता है। इसीलिए जब भी आपके कुंडली में दसवें घर में सूर्य आ जाते हैं, इन दैट केस फोकस इस बात पर कीजिए कि कभी भी सारी लाइमलाइट अपने ऊपर नहीं लेनी है। क्यों? क्योंकि लाइमलाइट ऑलरेडी आपके ऊपर है, सूर्य ऑलरेडी दसवें घर में बैठे हुए हैं ना, इसीलिए जहां भी आप जाओगे वहां आप पर ध्यान जाएगा, वहां लोग आपकी तरफ देखेंगे ही देखेंगे, आपसे नजर नहीं हटा पाएंगे, यू हैव दैट पावर विद इन यू। लेकिन अगर आप जबरदस्ती हॉक करोगे लाइमलाइट को, जबरदस्ती उसके पीछे भागोगे और चाहिए और चाहिए और चाहिए, देन जो सूर्य है वो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, और देन आपको शनि के रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर नजर आएंगे। तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए दैट सेल्फिशनेस से या सेल्फ सेंटर्डनेस से आप लोग दूर रहो। अगर आपके पास पैसा है, पैसे का दिखावा मत करो। अगर आपके पास पोजिशन है, पोजिशन का दिखावा मत करो।
दिखावा जहां आप लोगों ने किया वहां जो था वो आपसे चला जाएगा, या फिर जो है आपके पास वो आपको तंग कर देगा, परेशान कर देगा। सो आपको ये सब नहीं करना चाहिए। अगर आप दूसरों को सर्विस कर सकते हो, दूसरों की मदद कर सकते हो, फॉर इंस्टेंस मान लीजिए आप नहीं है गवर्नमेंट सर्वेंट, आप किसी बड़ी कंपनी के सीईओ हैं, अब आप कैसे लोगों के लिए काम करेंगे? वॉलंटियरिंग कर सकते हो, डोनेशन कर सकते हो, हाथ से कुछ होकर काम कर सकते हो। अगर ये करते रहते हो तो सूर्य आपका शांत रहता है और अच्छे रिजल्ट देता है। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ, सूर्य अच्छा ग्रह है अनडाउटेडली, लेकिन सूर्य एक क्रूर ग्रह भी है। अब क्रूर ग्रह के साथ क्या होता है, इसकी एनर्जी इतनी पावरफुल होती है कि दूसरों के लिए इसकी एनर्जी को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे सूर्य की पत्नी संध्या, उनसे भी उनकी एनर्जी नहीं संभाली गई थी और इसीलिए वो उन्हें छोड़कर अपने पिता के घर वापस चली गई थी। उन्होंने कहा कि भैया मेरे बस की नहीं है इनके साथ रहना, तेज इतना ज्यादा हो जाता है। तो ऐसे में अगर आप हम्बल रहना नहीं सीखते हो, अपने आप को और ज्यादा महिमा मंडन करते हो, अपने आप को और ऊंचा दिखाने की कोशिश करते हो, तो वो आपको अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं देता, लोगों को आपसे दूर कर देता है। और कहते हैं ना कि जो फलों से लदा हुआ वृक्ष होता है वो हमेशा झुका हुआ रहता है, और जो सूखा ठूंठ होता है वो हमेशा सीधा खड़ा रहता है। तो जो फलों से भरा हुआ लदा हुआ जो वृक्ष है आपको वो बनना है। फलों से लदा हुआ वृक्ष हमेशा झुका रहेगा, हम्बल रहेगा, वो दिखावा पसंद नहीं होता, उसके लिए ईगो सब कुछ नहीं होता, मैं मेरे सामने ऐसे कैसे कर दिया, ये सारी बातें अगर आप में नहीं है तो दसवें घर का सूर्य गिव्स अमेजिंग रिजल्ट्स। और अगर होती हैं तो फिर यही दसवें घर का सूर्य आपके लिए हानिकारक भी हो सकता है, क्योंकि इवेंचुअली सूर्य एक क्रूर ग्रह है और दसवां घर नैसर्गिक रूप से शनि का घर है, जो कि पसंद नहीं करता अपने पिता की इसी क्रूरता को, अपने पिता के इसी ईगो को। पब्लिक लाइफ, जिन लोगों के भी सूर्य दसवें घर में होते हैं वो अपनी जो जिंदगी होती है वो पब्लिक के सामने ज्यादा काटते हैं। अब सूर्य कितने बली हैं या जो राशि आपके दसवें घर में है उसके स्वामी कितने बली हैं, इस पर भी बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं। सूर्य की डिग्री क्या है, उनके युतियां क्या हैं, उनके ऊपर दृष्टियां कौन सी हैं, इस पर भी बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं। लेकिन आमतौर पर अगर सूर्य दसवें घर में आपको दिख रहा है तो एक पब्लिक लाइफ यानी जनता के बीच आपको जिंदगी जीनी पड़ सकती है। अगर सूर्य बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है तो हाँ, आप फेमस हो सकते हो, पूरी दुनिया आपका नाम जान सकती है, बहुत अच्छे बड़े एक्टर बन सकते हो, बहुत बड़े डायरेक्टर बन सकते हो, बहुत बड़ा यू नो स्पोर्ट्स पर्सन बन सकते हो, यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन अगर सूर्य बिल्कुल हल्के मंद भी अपने रिजल्ट आपको दे रहा है, इन दैट केस आप क्या करते हो, परिवार में आपका नाम, परिवार में आपकी पूछ, ये सब आपको देखने को मिल सकती है, या मोहल्ले में आपकी पूछ। तो किसी न किसी प्रकार से एक पब्लिक जिंदगी आप जी रहे होते हो, किसी न किसी प्रकार से जनता के साथ, लोगों के साथ आपका सरोकार ज्यादा होता है, किसी न किसी प्रकार से किसी भी सेटिंग में आपके ऊपर ध्यान चला ही जाता है, और कई बार आप ओपिनियन लीडर्स भी बनते हो। यानी कि अगर आपके ग्रुप से कोई सवाल पूछा जाना है तो उन सवालों के जवाब आप ज्यादा दे सकते हो, ज्यादा अच्छे से दे सकते हो, या आपको आगे धकियाया जा सकता है उन सवालों का जवाब देने के लिए। तो चाहे आप अपने मोहल्ले में ही ऐसा करें, चाहे अपने एक्सटेंडेड फैमिली में करें, चाहे आप देश विदेश दुनिया में फेमस हो जाएं, ये सारी की सारी बातें सूर्य कितने बली हैं, एक्चुअल में उनके अंदर कितना बल है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो भी हो, जिंदगी जो होती है पब्लिक ही होती है। अक्सर ऐसा भी देखा गया है कि अगर सूर्य दसवें घर में है तो पब्लिक की नजर में, जनता की नजर में आपकी जो इमेज होती है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आपके पिता की वजह से होता है। यानी कि आप अपने पिता की वजह से फेमस होते हो, या पिता के थ्रू आप सेकेंड हैंड यू नो रिकग्निशन पाते हो। तो मान लीजिए आपके पिताजी पार्षद हैं, अब पार्षद जी का जो बेटा होगा उसकी तो इज्जत होगी, राइट? तो सेकेंड हैंड इज्जत मिल रही है आपको, फर्स्ट हैंड तो पिताजी की है, लेकिन अब पार्षद जी के बेटे जी हैं तो उनको तो इज्जत मिलेगी ही मिलेगी। तो इस तरह का आपको एक यू नो रिकग्निशन, लोगों के बीच में पहचान, जनता के बीच में पहचान, ये आपको रिलेटिवली ज्यादा मिल सकती है। और इसके लिए कहीं ना कहीं बड़ा कारण आपके पिता भी हो सकते हैं। तो ऑफकोर्स जैसा कि हम पुराना जो रीत चली आ रही है, जो अभी भी वैसे ही चलती है, कि जो पिता करता है, जिस रास्ते पर पिता चलता है, या जो पिता का प्रोफेशन होता है, वो अपने पुत्र के लिए वहां पे कहीं ना कहीं एक स्पेस तो क्रिएट करके दे ही देता है। यानी हम नेपो किड्स की बात कर रहे हैं क्या, नेपोटिज्म की बात कर रहे हैं? आई गेस यस। लेकिन ये संसार की रीत है, ना सिर्फ भारत की बल्कि हर जगह की, कि अगर आप
मान लीजिए राजा हैं तो आप अपने पुत्र को राजपुत्र ही बनाना चाहेंगे, राइट? आप अपने बेटे को सपेरा तो नहीं बनाना चाहेंगे, तो दैट्स देयर। या फिर अगर आप वकील हैं तो आपके बेटे के लिए वकालत में नेचुरल सी बात है ज्यादा ऑप्शंस खुलते हैं। अगर आप मान लीजिए फैशन डिजाइनर हैं तो आपके बेटे के लिए फैशन डिजाइनिंग में ज्यादा ऑप्शन खुलते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपकी बेटी के लिए बिजनेस में ज्यादा ऑप्शंस खुलते हैं। तो क्या होता है कि पिता के थ्रू, पिता के प्रोफेशन के थ्रू जो बच्चा है, बच्चे के लिए रिकग्निशन, बच्चे के लिए जो एक फाउंडेशन है वो क्रिएट होती है ना? अब जरूरी तो नहीं है कि हर कोई अलग रास्ते पे चले। बहुत सारे लोग अब भी अपने फैमिली के उन्हीं रास्तों पर चलते हैं कि पिताजी डॉक्टर हैं तो बेटा बेटी दोनों डॉक्टर निकल आए। दिस हैपन्स वेरी कॉमनली अक्रॉस द वर्ल्ड, ये हमें देखने को मिलता है। सो यू नो, लेट्स नॉट गेट इन द डिबेट कि क्या सही है और क्या गलत है, बट फैक्ट फैक्ट होता है। सो जो पिता का रोल है वो आप पर रब ऑफ हो, इसके बहुत चांसेस होते हैं। लेकिन लेकिन एक और चीज है, शादी के थ्रू, पति या पत्नी के थ्रू, या उनकी दौलत के थ्रू, या उनके परिवार के थ्रू आपको पैसा मिलना या प्रसिद्धि मिलना, ये भी बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिलता है। सो आई न्यू दिस वन पर्सन, ये पुलिस में काम करते थे। सो पिताजी ही वॉज ऑल्सो इन पुलिस, पिताजी पुलिस में थे, ये भी पुलिस में चले गए, कोई दिक्कत नहीं है। बट मन इनका खुश सा नहीं था, दे वाले का अच्छा ठीक है यार, पिताजी की तो बड़ी इज्जत है, मेरी भी इज्जत है, पर मजा सा नहीं आ रहा है। लेकिन इस लड़की से शादी की, उनके जो पिताजी थे ही वॉज रिच इनफ, तो वैसे तो वो पुलिस में नहीं थे तो ऐसा रिकग्निशन नहीं कह सकते कि इनका जवाई आया है, ऐसा नहीं बोल सकते। लेकिन अब रिच इनफ थे तो भाई थोड़ा वहां से पैसे में मदद हो गई, काफी सारी चीजों में, बिजनेस खड़ा करने में। उन्होंने बोला कि चलो पुलिस की नौकरी को लात मारो, बिजनेस शुरू करता हूँ। तो बिजनेस शुरू करने के लिए ससुर जी की हेल्प मांगी, ससुर जी ने हाँ कह दिया, और देखिए बिजनेस उनका चल पड़ा, होटल चला रहे हैं इस समय पर, वो अपना अच्छी खासी कमाई भी होती है। तो स्पाउस के थ्रू, पति या पत्नी के थ्रू भी आपको काफी कुछ मिलता है। मूवी का एग्जाम्पल ले, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, गोविंदा, सुष्मिता सेन। सो ही वॉज ट्राइंग टू यू नो बिकम फेमस, वो अपने आपको फेमस करना चाहते थे अपने ससुर की दौलत में से हिस्सा मांग के, या उनके शोहरत में से हिस्सा मांग के। तो ऐसा भी बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिलता है। सो इट्स नॉट इनफ्रीक्वेंट। और कुछ गलत है क्या इसमें? लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, बट मिलता है, हाँ मिलता है। फाइनली, अगर आपका सूर्य 10वें घर में है तो आप लोगों में लीडरशिप कैपेसिटी भी बहुत अच्छी होती है, यानी कि आप अच्छे लीडर बन सकते हो, दूसरों को सही रास्ता दिखा सकते हो। हो सकता है कि आपके पापा ने आपको रास्ता दिखाया हो, आपके गुरुओं ने आपका रास्ता दिखाया हो, तो आप दूसरों को भी वो रास्ता दिखा सकते हो। इसके साथ साथ ही आप लोग एग्जीक्यूशन एबिलिटी जो होती है आपकी बहुत अच्छी होती है, जो भी काम आपने ठान लिया अच्छे से करते हो, ब्रिलियंट आप वो उस काम करते हो। सो यू नो वट एवर यू आर डूइंग, वो कोई ऐरा गैरा काम नहीं होता, चलता फिरता काम नहीं होता, काम चलाओ चीज नहीं होती, जो भी होती है बहुत अच्छी चीज होती है, ब्रिलियंट चीज होती है। तो ये जरूर आप लोगों में देखने को मिलता है। जहां कहीं भी लोगों को लीड करने की बात होती है, लोगों को ये रास्ता दिखाने की बात होती है, वहां पर आप हमेशा ही अच्छा काम करके जाते हो। लेकिन एक चीज यहाँ ध्यान देने वाली है कि जो भी आप क्रिएट करो, चाहे आप छोटी सी दुकान लगाओ, चाहे आप बहुत बड़ी कोई कॉरपोरेशन, कोई कंपनी खड़ी कर लो, इवेंचुअली जो फैसले होते हैं वो आप खुद करना चाहते हो। तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम्स आपको पसंद नहीं होते, आपको जो सिस्टम्स पसंद होते हैं वो सेंट्रलाइज सिस्टम पसंद होते हैं, यानी कि आप डिसीजन लो, आप बताओ, और आप बहुत हैंड्स ऑन होते हो। तो यानी अगर आपकी बहुत बड़ी कंपनी है, मान लीजिए कोई 1000 करोड़ की कंपनी है, तो भी आपको मालूम होगा कि HR डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है, या फिर आपका जो R&D डिपार्टमेंट है वहां क्या चल रहा है, और वहां के जो प्रमुख लोग होंगे हाईली लाइकली आप उनको जानते भी होंगे और उनको समय समय पर बुलाते भी होंगे मीटिंग के लिए। तो यही एक हैंड्स ऑन जो अप्रोच होता है वो आपके अंदर होता है। आप हर चीज के ऊपर टैब्स रखना चाहते हो, कहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, यू आर वेरी क्लियर अबाउट दैट। यहाँ तक कि अगर आपकी कोई छोटी सी दुकान भी हो जिसमें 2 नौकर काम करते हो, तो वहां पर भी आपको मालूम होगा कि मेरी परचून की दुकान में फिलहाल कितने रेट का कौन सा आटा बचा हुआ है, कब मंगाना है, कैसे मंगाना है, उसको कहाँ से सोर्स करना है, नौकर ने कहीं पर धांधलेबाजी तो नहीं की, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो सेंट्रलाइज होता है, एवरी थिंग कम्स बैक टू यू, कहते हैं ना इंग्लिश में ऑल रोड लीड टू रोम, यानी हर रास्ता रोम की तरफ जाता है। तो आप भी रोम ही है, और एवरी थिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड यू, उसे कहीं ना कहीं, चाहे वो इंफॉर्मेशन हो चाहे वो काम हो, आप तक पहुंचना ही है। और इसी तरीके से आप अच्छे काम करते हो, इसीलिए परिवार को अगर लीड करना हो, परिवार का मुखिया बनना हो,
यू डू इट वेरी वेल। कंपनी का मुखिया बनना हो, यू डू इट वेरी वेल। और जहां पर भी जितना भी आप इंडिपेंडेंटली काम कर सको और जहां पर आपको बहुत ज्यादा लोगों की अथॉरिटी ना झेलनी पड़े, वहां पर भी आप अच्छा काम करते हो। तो बहुत सारे सीनियर हैं, दबाए जा रहे हैं, यू कांट हैंडल दैट। लेकिन अगर आप ऐसी जगह काम कर सकते हो जहां इंडिपेंडेंटली थोड़ा बहुत है, सीनियर से कभी कभी बात होती है लेकिन चीजें आपके जिम्मे है, वहां पर आप खिलकर निखर कर बाहर आते हो। सो यू नो, ऑलवेज फोकस ऑन दीज पोजिशंस इन लाइफ जहां पर आप अच्छा कर सकते हो। लेकिन फिर भी चेक करो कि सूर्य की पोजिशन एग्जैक्टली है क्या, कितना बल है। नवमांश में भी सूर्य को देखो, तब आपको एग्जैक्टली इसके बारे में मालूम चल जाएगा। अगर मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूँ तो शिवाजी द बॉस मूवी में जो शिवाजी हैं, वो एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है सूर्य के दसवें घर में होने का। बिकॉज वो बताते हैं कि किस तरीके से बड़े बड़े सिस्टम्स को मैनेज किया जाता है और कैसे हर सिस्टम आके शिवाजी पर अटक जाता है। तो भगवान करे कि आप भी जल्दी ही शिवाजी बने और आपको भी खिलकर निखर कर बाहर आने का मौका मिले। अगर मिलेगा, इट विल बी गुड फॉर अस। डू शेयर योर रिजल्ट्स। टेक केयर एंड गुड बाय।